चलिए अब हम आते हैं बुक के पेज नंबर 4 में, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड राइट द नंबर नेम्स ऑफ द गिवन नंबर्स। मींस हमें नीचे दिए गए नंबर्स में कॉमास इंसर्ट करने हैं, किसके अकॉर्डिंग कॉमा इंसर्ट करने हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास इंसर्ट करने हैं, उसके बाद उसका नंबर नेम्स लिखना है अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए नंबर्स में हमें कॉमा इंसर्ट करना है एंड उसका नंबर नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सबसे पहले देखिए हम कॉमा इंसर्ट करेंगे, देखिए वंस टेंस हंड्रेड, यहाँ पे वंस पीरियड ओवर हो रहा है तो एक कॉमा हम यहाँ लगाएंगे, फिर थाउजेंड टेन थाउजेंड, थाउजेंड पीरियड यहाँ पे ओवर हो गया फिर हम यहाँ कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ लैख के बाद कोई टेन लैख की कोई वैल्यू नहीं है तो आगे कोई कॉमा नहीं लगेगा। अब देखिए हम इसमें नंबर नेम कैसे लिखते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, लैख प्लेस पे टू है तो क्या लिखेंगे हम, टू लैख, फिर थाउजेंड टेन थाउजेंड मतलब फिफ्टीन थाउजेंड, फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी, सेवन हंड्रेड एट्टी, क्या नंबर नेम बन गया, टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी, टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी। नेक्स्ट हम आते हैं बी नंबर में, देखिए वंस पीरियड कहाँ ओवर हो रहा है, वंस टेंस हंड्रेड, यहाँ एक कॉमा लगेगा, थाउजेंड टेन थाउजेंड यहाँ पे थाउजेंड पीरियड ओवर हो रहा है, देन यहाँ एक कॉमा लगेगा, आफ्टर दैट लैख टेन लैख यहाँ पे लैख का पीरियड ओवर है फिर यहाँ कॉमा लगेगा। अब इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़, मीन्स वन करोड़ तक वैल्यू गई है, तो वन कौन से प्लेस में है, करोड़ प्लेस पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे वन करोड़, वन करोड़ थर्टी फाइव लैख, वन करोड़ थर्टी फाइव लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड, वन करोड़ थर्टी फाइव लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेल्व, क्या बन गया, देखिए नंबर नेम यहाँ पे वन करोड़ थर्टी फाइव लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेल्व। नेक्स्ट हम आते हैं ई नंबर में, पहले हम कॉमा इंसर्ट करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड, वंस पीरियड ओवर हुआ तो कॉमा, थाउजेंड पीरियड ओवर हुआ तो कॉमा, लैख पीरियड ओवर हुआ तो कॉमा, ठीक। वैल्यूज देखिए कहाँ तक गई हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़, मीन्स थर्टी करोड़ फिफ्टी सिक्स लैख, देखिए यहाँ पे थाउजेंड प्लेस में कुछ भी नहीं है और हंड्रेड प्लेस में भी कुछ नहीं है तो हमें कुछ नहीं लिखे पढ़ेंगे, सीधे हम आए पढ़ेंगे सेवेंटी वन, मीन्स थर्टी करोड़ फिफ्टी सिक्स लैख सेवेंटी वन, थर्टी करोड़ थर्टी करोड़ फिफ्टी सिक्स लैख सेवेंटी वन, थर्टी करोड़ फिफ्टी सिक्स लैख सेवेंटी वन। इसके बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, सेम टाइप के क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। अब नीचे जो नंबर्स हैं उन्हें हम वो वर्ड्स में लिखे हुए हैं, उनका नंबर नेम्स लिखा है, उसे अब हम फिगर्स में लिखेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर है
17,30,896। तो देखिए सबसे पहले 17 लाख मीन्स 17, फिर कॉमा लगाएंगे 30,896। ये हो गया आपका फिगर्स में, ओके। देन कम टू डी नंबर, 9,87,911। देखिए 9 करोड़ है, ओके, फिर कॉमा लगेगा। अब देखिए लैख प्लेस पे कुछ भी नहीं है, मीन्स लैख प्लेस पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप ये कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लैख प्लेस पे कुछ नहीं है तो उसकी जगह आप क्या लगाएंगे, 10 लाख एंड लैख की जगह 0। देन हम लिखेंगे 87,000 मीन्स 87,000, देन कॉमा 911, 9,87,911। देन कम्स टू सी नंबर, 70,17 मीन्स 70 करोड़, देन कॉमा लैक प्लेस पे कुछ नहीं है, लैक पीरियड में 00, 1,000 पीरियड में भी कुछ नहीं है, देन 0। देन कम्स टू 100 प्लेस, 100 प्लेस पे भी कुछ नहीं है, 0। वंस एंड टेंस को मिला के बन रहा है 17, तो उसकी जगह पे है आपका 17 मीन्स 70 करोड़ 70। लैक पीरियड में कुछ नहीं है, 1,000 पीरियड में कुछ नहीं है, 100 प्लेस में भी कुछ नहीं, तो उनकी जगह पे 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिए गए नंबर्स के हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने हैं, वो चलिए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर है 7,56,925। तो सबसे पहले हम 7 लिखेंगे। अब देखिए 7 कौन से प्लेस में है, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000 प्लेस में है, तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 5 लेंगे, 5 कौन से प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे, उसे हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 6 कौन से प्लेस में है, 1,000 प्लेस में, उसे हम 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 9 कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे, उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 कौन से प्लेस पे है, 1th प्लेस पे है, तो उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 7 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7 लाख। 5 को जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 50,000। 6 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6,000। 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 900। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मीन्स 7 लाख प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 5। तो इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म ये रहा। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पहले इसको मल्टीप्लाई करें फिर लिखें, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट बताऊंगी वो कैसे करेंगे हम डायरेक्ट। जैसे देखिए आप लोग डी नंबर देखिए, 99,19, अब इसे नंबर को हम रीड करते हैं, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000, 10,000,000। तो देखिए ये 9, 10 लाख प्लेस में है मीन्स जब इसको हम सिंगल पढ़ेंगे तो कौन से प्लेस पे है, 10 लाख प्लेस है मीन्स 90 लाख। ये देखिए ठीक, देन ये 9 कौन से प्लेस में, लैक प्लेस में, तो मीन्स 9 लाख लिखेंगे यहाँ पे हम। देन 1 कौन से प्लेस में है, 10,000 प्लेस में, तो यहाँ हम लिखेंगे 10,000।
प्लस नाइन, नाइन कौन से प्लेस में है, थाउजेंड प्लेस में, मीन्स 9000। फिर ये 900 प्लेस में है, 900 याद रखिएगा। जीरो टेंस प्लेस में है लेकिन वहाँ पे जीरो दिया हुआ है, मीन्स उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, तो आप यहाँ सिर्फ जीरो ले, उसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा, तो हम जीरो लिखेंगे। और नाइन कौन से प्लेस में है, वन प्लेस में, तो नाइन ध्यान से रखिएगा, नाइन है। उसके बाद कितने डिजिट हैं टोटल, सिक्स, तो यहाँ सिक्स जीरो होने चाहिए, यहाँ देखिए नाइन है। इसके बाद फाइव डिजिट हैं तो फाइव जीरो होने चाहिए, वन के बाद फोर डिजिट हैं तो फोर जीरो होने चाहिए, नाइन के बाद थ्री डिजिट हैं तो थ्री जीरो होने चाहिए, इस नाइन के बाद टू डिजिट हैं तो टू जीरो होने चाहिए, जीरो की जगह जीरो ही रहेगा और नाइन के बाद कोई डिजिट नहीं तो सिर्फ नाइन रहेगा। ओके, बाकी आपके लिए होमवर्क है।